तो बढ़ते प्रदूषण पर एनजीटी ने सख्ताई दिखाई है। देश की राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के संयुक्त सचिवों को तलब करते हुए एनजीटी ने कहा कि 15 अक्टूबर को तीनों राज्यों के संयुक्त सचिव अपनी स्टेट्स रिपोर्ट के साथ ट्रिब्यूनल के सामने हाजिर होकर बताएं कि पराली जलाने के से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। एनजीटी ने अपने आदेश में ये भी कहा कि इन राज्यों में पराली जलाने से रोकना केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। प्रदूषण से लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले खराब असर की रोकथाम के लिए कदम उठाए जाना बेहद जरूरी है। इतना ही नहीं, एनजीटी ने दिल्ली की सीमा से सटे सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि मुख्य सचिव के दफ्तरों में एक स्पेशल सेल का गठन किया जाए, जिससे लगातार अक्टूबर नवंबर महीने में छुट्टियां और त्योहारों के दिन भी प्रदूषण पर नजर और संबंधित जानकारी वेबसाइट अपडेट होती रहे। ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि आमतौर पर अक्टूबर के आसपास इन राज्यों में पराली जलाने के चलते दिल्ली में प्रदूषण इतना बढ़ जाता है कि लोगों के लिए खुली हवा में सांस लेना भी दुभर हो जाता है, और ऐसे में पराली जलाने में रोकथाम होनी चाहिए। तो एनजीटी सख्त नजर आ रही है, पराली से प्रदूषण में इजाफा हो रहा है और इसी के चलते एनजीटी ने ये निर्देश दिए हैं। दिल्ली एनसीआर में हर साल पराली से होने वाले प्रदूषण को लेके एनजीटी ने सख्त रुख अपनाते हुए जॉइंट सेक्रेटरी तीन राज्यों के तलब किया है। 15 अक्टूबर को तीन राज्यों के जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं वो एनजीटी में तलब किए गए हैं। आपको बता दें कि हर साल अक्टूबर और नवंबर महीने में पराली से होने वाले प्रदूषण को लेके दिल्ली एनसीआर में एक धुएं का गुब्बार हो जाता है, जिसको लेके अब एनजीटी ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि पराली से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए किस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है कि लोग स्वस्थ रहें और पराली से होने वाले प्रदूषण पे लगाम लगाई जा सके। कैमरामैन सुमित मावी के साथ शिव त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।